थोड़ा सा रोटेट कर। अरे नीचे है बस। हाँ सर। सबसे पहले हम करते हैं भारत के संविधान की तुलना किससे? ब्रिटेन से करते हैं। जैसे कि हमने पता है कि ब्रिटेन से हमने संविधान की बहुत सारी बातें ली है। 1935 के अधिनियम को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। अब ब्रिटेन के संविधान और भारत के संविधान से सबसे पहले क्या लिया गया है बताइए, आप लोग बताइए। पहली संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है बताइए? संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है? कि चुनाव चुनाव के द्वारा जनता के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और सदन होंगे, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से आएंगे, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से आएंगे। कार्यपालिका का मतलब जो मंत्री प्रधानमंत्री होंगे वो कहां से होंगे? विधायिका मतलब लोकसभा या राज्यसभा में होंगे। प्रधानमंत्री वही बन सकता है या मंत्री वही बन सकता है जो इस विधायिका का सदस्य हो, अन्यथा वो मंत्री नहीं बन सकता। जबकि हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखें तो कार्यपालिका विधायिका का आपस में कोई संबंध नहीं, जो मैंने आपको पुरानी क्लास में समझाया था, इसलिए मैंने बेसिक पहले बताया था, इसमें आपको एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। अध्यक्षीय में क्या होता है, कार्यपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, पूर्ण पृथककरण पाया जाता है। और यहां पर इस तरह का कोई पूर्ण पृथककरण नहीं है, आंशिक पृथककरण है विधायिका और कार्यपालिका के बीच। दूसरा यह होता है कि सामूहिक रूप से जो हमारी मंत्री परिषद होती है वो विधायिका के प्रति जवाब दे। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 70 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका या मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? विधायिका। क्या विधायिका लिखा है संविधान में? क्या लिखा है? आपत्ति करिए ना, ये गलत लिखा है। कहा है? लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा को हमने क्या माना, प्रत्यक्ष सदन है, इसलिए ज्यादा जवाबदेही किसके प्रति होगी? लोकसभा के। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब समझ में आया? पहला मतलब कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से होंगे, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और तीसरा जो देश का वास्तविक प्रमुख है, एक्चुअल हेड है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना। हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के वास्तविक प्रमुख होते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री वही होता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता। तो ये विशेषता है पहली संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटेन की संविधान की और जो भारत में भी दिखती है। आप सर, जैसे अगर प्री में आता है क्वेश्चन कि अगर लोकसभा नहीं दी है, जैसे दिया है कि आपकी जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, ऑप्शन अगर उसने दिए राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जैसे एक बार तिवारी चंद बोला था अगर लोकसभा नहीं आया तो संसद का, आपने बोला इनमें से कोई नहीं, अगर ये नहीं आता इसलिए अगर दूसरा कुछ आ जाता तो बोनस मार्क्स मिलते। एससी की पद्धति के अनुसार न्यायालय फैसला करता क्या करता है। सर व्यक्तिगत रूप डिलीट हो जाता है। क्या होता है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? वो आप बताइए किसकी प्रति होती है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की प्रति होती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, परंतु प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे बता दे, जो भी करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा से ही करेगा।
तो ये विशेषता इंग्लैंड में भी है और ये विशेषता भारत में। अब दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं। दूसरी विशेषता जो ब्रिटेन के संविधान की है वह संवैधानिक राष्ट्रतंत्र विशेषता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहां पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। यहां का जो यहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, दो प्रमुख होते हैं, एक वास्तविक प्रमुख होता है और एक नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो भारत में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है और नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। इन दोनों का चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से ये दोनों चुनकर उस पद पर पहुंचते हैं। इसलिए भारत क्या है, एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। क्या है? गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। क्योंकि हमारे दोनों, चाहे वो वास्तविक हो या नाम मात्र के हो, दोनों का चुनाव होता है, भले वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो। लेकिन इंग्लैंड में जो नाम मात्र का प्रमुख है वो क्राउन होता है। क्राउन मतलब राजसत्ता होती है, उसका ही प्रमुख हमेशा बनाया जाता है, जो वंशानुगत आधार पर, किस आधार पर होता है, वंशानुगत आधार पर। क्योंकि भारत में वंशानुगत कोई आधार नहीं है, चुनाव द्वारा हमारे यहाँ फैसला होता है। इसलिए इंग्लैंड क्या है, एक राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है और भारत एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। डाउट आपको? तो ये कोई से जैसे अधिनियम बनता है तो उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकता। कौन? सर क्राउन। हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो उसको जब तक साइन नहीं होगा जब तक अधिनियम नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी अनुमति मिलती है, परंतु सारी शक्ति किसके हाथों में? संसद के हाथ। सरकार की क्या है? नाम मात्र की प्रमुख क्या है? महारानी या जो भी, अभी तो महारानी है इसलिए महारानी की बात करें। सर ब्रिटेन की संसद में भी क्राउन मतलब तीसरा अंग होता है जैसे हमारे राष्ट्रपति होता है। कैसे? हाँ जी, वहाँ पर भी एक अंग है और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, तो वहाँ क्राउन नहीं है। अभी इतना डिटेल नहीं है अपने पास, अध्यादेश जैसा कोई डिटेल नहीं है अपने पास। संसद का सदस्य होता है क्या सर वहाँ? नहीं नहीं होता। दो विशेषताएं क्लियर हो गई। तीसरी, भारत में संसद कैसी होती है? द्विसदनात्मक की, एक सदनात्मक की, त्रिसदनात्मक। द्विसदनात्मक हाउस तो दो होते हैं, मतलब हमारे यहाँ भी द्विसदन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, और इंग्लैंड में भी क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। दो सदन इंग्लैंड में भी पाए, ठीक है। दो सदन कौन कौन से हैं? सर लोकसभा है, हमारे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर है हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं उसकी तुलना आप लोकसभा से करते हैं, जिसको हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं उसकी तुलना आप राज्यसभा से कर सकते हैं। भंग नहीं किया, आप बिल्कुल भारत की तुलना उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी प्रत्यक्ष रूप से चुन गया, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को लिख लीजिए, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित लोग होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित लोग होते हैं और इस पर उच्च वर्गीय वर्चस्व पाया जाता है। इसमें कुछ पुरोहित वर्ग होता है और 12
विधि लॉर्ड्स होते हैं, विधि मतलब जो कानून को जानने वाले होते हैं। तो पुरोहित वर्ग कितने होते हैं? दूसरी बात अगर हम करें, जैसे हम भारत की बात करें, लोकसभा राज्यसभा को सामान्य मामलों में बराबर शक्तियां हैं, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को छोड़ दे तो दोनों कैसी शक्तियां हैं? बराबर शक्तियां। परंतु इंग्लैंड की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो लॉर्ड्स की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन भारत में धन विधेयक को छोड़कर समानता लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती है। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती, परंतु इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को अधिक शक्ति प्राप्त है। यदि हाउस ऑफ कॉमन्स किसी विधेयक को वर्ष में दो बार पारित कर दे, एक वर्ष में दो बार पारित कर दे, तो वह कानून बन जाता है। हमारे देश में राज्यसभा को सामान्य विधेयक को बराबर की शक्ति है। अगर लोकसभा से कोई बिल प्रस्ताव पारित हो रहा है, जैसे कि हम बात करें ट्रिपल तलाक, अगर लोकसभा की से पारित हो जाए, राज्यसभा पारित ना करे तो लागू नहीं हो सकता। दोनों सदनों से पारित होना, उदाहरण के लिए क्या है, सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने तो पंचायती राज संशोधन पेश किया था, परंतु कहां पास हो पाया, बाद में 73वां बीवी नरसिंह राव ने पास कराया। भारत में राज्यसभा को शक्तियां, साथ ही हमने राज्यसभा को विशेष शक्तियां भी देख रखी है। आर्टिकल 249 के तहत 312 के तहत, याद करिए आप क्या लिखा 249 करेक्ट, राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रीय महत्व का समझती है तो। परंतु ये शक्ति एक वर्ष में एक बार में एक वर्ष के लिए दी जाए। 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना, ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है, परंतु यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात ऐसा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं। अगर हाउस ऑफ कॉमर्स ने एक प्रस्ताव दो बार पारित कर दिया, मान लो हमने हलाल ट्रिपल तलाक आया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया, लॉर्ड्स के पास गया, लॉर्ड्स ने कोई विचार नहीं किया या किया या नहीं किया जो भी, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के बाद पुनः आया, हाउस ऑफ कॉमन्स ने दोबारा पास कर दिया, कोई जरूरत नहीं लॉर्ड्स की, कानून बन गया, मतलब क्राउन की बात नहीं हुआ, तो जाएगा ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स विशेष महत्व का नहीं, ठीक है। इसके बाद न्यायपालिका, तीन अंग है, तीसरे अंग में विधायिका हो गई, कार्यपालिका। हाँ, कार्यपालिका में एक बात और बता देते हैं, कार्यपालिका में जैसे भारत में प्रधानमंत्री का सदन का सदस्य होना जरूरी है, वैसे इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री का सदन का सदस्य होना जरूरी है, और वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं सदन के सदस्य व मंत्री, कब तक बने रहते हैं, जब तक उनको बहुमत प्राप्त होता है, भारत जैसी ही व्यवस्था है। अब बात करते हैं तीसरा अंग न्यायपालिका की। इंग्लैंड की न्यायपालिका भी देखिए तो भारत की तरह विधायिका और कार्यपालिका से मुक्त स्वतंत्र, भारत में है कि नहीं सुन, क्या भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्या उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती मंत्रिपरिषद की सलाह से? हाँ होती है, अवश्य होती है, कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है,
निर्णय में स्वतंत्र है, कोई दबाव नहीं उनके ऊपर, वो अपने स्वयं न्यायालय से संबंधित मामलों के कानून निर्माण का काम खुद ही कर सकते हैं, अपनी नियुक्ति के संदर्भ में खुद ही योग्यताओं का निर्धारण कर सकते हैं, भले वो किसी से करें। ठीक है, परंतु अगर इंग्लैंड की संसद की और इंग्लैंड की न्यायपालिका की तुलना करें, इंग्लैंड की संसद न्यायपालिका से अधिक शक्तिशाली। भारत में न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति है, इंग्लैंड के पास भी न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त। अंतर क्या है फिर इसमें? अगर इसे ये बना देते मतलब कोई नियम, जैसे पुनर्वलोकन किया किसी भी नियम का, तो सर ये हटा भी सकती है उसको। हाँ, पर सर राष्ट्रपति वापस उसको अध्यादेश लाकर फिर कर बना सकता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन क्या हमारी न्यायपालिका किसी कानून को इस आधार पर निरस्त कर सकती है कि कानून ठीक नहीं? दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि आप ये चेक करो कि कानून ठीक नहीं है, कि कानून बनाने में जो प्रक्रिया इस्तेमाल की गई वो ठीक है। आप दो आधार पर कर सकते हैं। तो हमारी न्यायपालिका को बहुत शक्ति, हमारी न्यायपालिका को लगता है कि अगर कोई कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है, या उस भाग को हटा सकती है जिस भाग से वो प्रभावित हो। इंग्लैंड की न्यायपालिका केवल इस आधार पर न्याय पुनर्वलोकन करेगी कि कानून को बनाते समय प्रक्रिया उचित नहीं, अन्यथा नहीं। इंग्लैंड की न्यायपालिका इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित विधि कानून आदि का पुनरावलोकन तभी कर सकती है जब उसके निर्माण में उचित प्रक्रिया का पालन ना किया गया, उचित प्रक्रिया का पालन ना किया गया। जबकि भारतीय न्यायपालिका इस आधार पर भी न्याय पुनर्वलोकन कर सकती है, इस आधार पर भी न्याय पुनर्वलोकन कर सकती है कि निर्मित कानून या विधान, कानून विधान उचित है या नहीं, उचित है या नहीं। समझ में आ रहा है? बड़ा थोड़ा अंदर समझ में आ रहा है? इसलिए कई बार कुछ राज्य कहते हैं विशेषज्ञ कि वास्तव में इंग्लैंड की न्यायपालिका सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक दृष्टि का मतलब वो जानती है कि जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने कोई कानून बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, जनता के हित में बनाया होगा, जनता के लाभ, देश के लाभ, देश के विकास के लिए बनाया होगा, इसलिए वो उस पर हस्तक्षेप नहीं करती। उनका कहना जनता बड़ी हस्तक्षेप तभी करती है जब उसके निर्माण की प्रक्रिया में कोई गलती है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यायपालिका सकारात्मक, क्या भारत की नकारात्मक? सब कह सकते हैं दरअसल नकारात्मक नहीं, दरअसल हम एक शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं,
जब भी कोई अपने दायरे से बाहर निकलता है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलता है, तब उसे हम रोकने की बात करते हैं। विधायिका का काम है देश हित में, जनहित में बेहतर नीति निर्माण करना। जब वो नीति निर्माण देश जनहित के विरुद्ध होता है तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है, अन्यथा नहीं। वैसे हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते गलत है, कुछ लोग कहते सही है। सबसे पहली बात है ये उत्पन्न ही क्यों हुई, ये न्यायिक सक्रियता पैदा ही क्यों हुई। ये न्यायिक सक्रियता तब पैदा हुई जब विधायिका और कार्यपालिका उचित तरीके से उचित समय पर अपने कार्यों को संपादित करने में असफल हुए, तब कहीं ये न्यायिक सक्रियता का जन्म हुआ। लेकिन न्यायिक सक्रियता भी क्या है, अच्छी चीज है, क्योंकि आपको त्वरित न्याय मिल रहा है, आप सीधे न्यायालय के शरण में जाते हैं। पर्यावरण से मुद्दों की बात करती है, कहीं वो रावण पर नीति बढ़ाने की बात करती है, कहीं वो रेलवे के लिए बात करती है, कहीं वो औद्योगिक क्षेत्रों को हटाने की बात करती है, ठीक है, कहीं वो नेशनल हाईवे बनाने की बात करती है। एक तरह देखा जाए तो जनहित का तो काम कर ही रही है, नहीं कर रही है, परंतु लोकतांत्रिक दृष्टि से ठीक। क्यों ठीक? जनता सर, क्योंकि हम न्याय तंत्र में नहीं रह रहे हैं, हम लोकतंत्र, तो हमने चुनकर भेजा फला फला सांसद विधायकों को, वो हमारे लिए नियम कानून बनाए, तभी तो हम कहेंगे हम लोकतांत्रिक देश। लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल हुए, जन भावनाओं को, जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है। अगर फिर से हमारे निर्वाचित सांसद, जन प्रतिनिधि, चाहे पार्षद, विधायक जो कह रहे, अगर फिर से सक्रिय हो जाए और कार्यों को उचित समय पर करने लगे, तो शायद न्याय सक्रियवाद की आवश्यकता है। पर दूसरा पक्ष और देखते हैं, भाई मुझे ज्यादा ज्ञान यान नहीं है कि न्यायपालिका क्या होती, विधायिका क्या होती है और कार्यपालिका, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं देश का, मुझे नहीं मतलब ये आप होशियार लोग जानिए, विधि के विशेषज्ञ जानिए कि भैया तीनों में संतुलन होना चाहिए, तीन अलग अलग अंग होते हैं लोकतंत्र के, तीन खंभे, मुझे कोई ज्ञान नहीं। मुझे तो अपने त्वरित सेवा, त्वरित समाधान से मतलब, कौन सा अंग दे रहा है मुझे इससे कोई लेना, और ना मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि इसमें लोकतंत्र खतरे में है, क्या है, मुझे समुचित न्याय मिले, मुझे समय सही समय पर काम मिले, तो मेरे लिए तो यही लोकतंत्र है ना। मुझे इससे मतलब थोड़ा कि विधायिका से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, मेरा लोकतंत्र क्या है, मेरा लोकतंत्र है कि मुझे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा फलीभूत हो, सही समय मेरा काम हो, ये मेरा लोकतंत्र है। कौन सा अंग दे रहा है विधि विशेषज्ञ जाने, मुझे इससे कोई लेना, आम आदमी क्या सोचे, क्या उसे इससे मतलब है कि कौन दे रहा है। तो आप न्याय सक्रियता भी लिख सकते नहीं लिख सकते, आपको कई पक्ष हुए, क्यों पैदा हुआ, क्या लाभ हो रहा है, और इससे लोकतंत्र को क्या समस्याएं हैं, और आम आदमी की सोच क्या है। भाई आप ही अगर नहीं पढ़े होते सब, तो आपको क्या धर्म क्या करना कौन देगा, हमको तो त्वरित न्याय से मतलब है, त्वरित समाधान से मतलब, हमको थोड़ा अंदर ही कौन दे रहा है, पढ़े लिखे लोग समझेंगे किसको देना चाहिए किसको। तो ये हो गया ब्रिटेन के संविधान, 100 शब्दों में या 300 शब्दों में आपका लिखने के लायक मैटर है नहीं है। चलिए अब अगले संविधान की तरफ चलते हैं, फ्रांस। सर एक जो ये सबरीमाला केस है, सर ये सही केस है, तो सबरीमाला, अब देखो ये बड़ा अलग विषय है, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, और सबसे पहला तो मुद्दा है कि किसी को मंदिर में प्रवेश करना धार्मिक मुद्दा है कि सामाजिक मुद्दा है कि महिला समानता का मुद्दा है। अगर धार्मिक मुद्दा है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और अगर महिला समानता का हिस्सा है तो हमें सबको अवसर देना चाहिए आने के लिए, कोई बुराई नहीं। फिर मतलब और भी जैसे दूसरी जगह है जहाँ मतलब धार्मिक उस पर रहता है कि यहाँ प्रतिबंध है, ये लोग नहीं आ सकते, सर वहाँ के जो पर्टिकुलर लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि वो जो भगवान मंदिर में है वो ब्रह्मचारी है, ठीक है, तो उनका ये है कि यहाँ पे 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिला को प्रवेश नहीं किया है, तो वो उनकी सर आस्था का विषय था। स्थानीय आस्था बनाम महिला अधिकार बनाम न्यायपालिका, ऐसे कई एंगल पैदा हो रहे हैं। और एक अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब एक सज्जन है जो कई संगठनों से जुड़े, तो समझा रहे थे मुझे कि
एक्चुअली आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल जो अयप्पन मंदिर है उसको लोग अपवित्र करना चाहते हैं ईसाई संस्थान, क्योंकि वहां पर कुछ दिन व्रत रखना पड़ता, कपड़े पहनने पड़ते हैं, फिर उसके बाद वहां पर दर्शन होते हैं, फिर एक किसी तिथि को चंद्र दर्शन होते हैं, और जो चंद्र दर्शन कर लेता है वो सारे पापों से मुक्त होता है। इतना प्रभाव पड़ गया उस मंदिर का ईसाई विसर्जनी को दिक्कत होने लगी, वो लोग भी अपने चर्च में चंद्र दर्शन कराने लगे, लेकिन अयप्पन मंदिर को नहीं। अब क्या होगा, अयप्पन जो मंदिर में जब महिलाएं प्रवेश करेंगी तो चर्च हर जगह ये प्रचारित करेगा, देखो तुम्हारा मंदिर तो अपवित्र हो गया, अब तो ये जगह वो जगह बराबर है सब यहाँ। ऐसा उनका कहना था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कहना क्या था, वो भी सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि उसका विरोध तो खुद एक महिला कर रही थी जो सुप्रीम कोर्ट में वो है जज। एक अलग विषय है, इसमें हमारी राय होनी चाहिए कि भाई हम न्यायपालिका का बिल्कुल सम्मान करेंगे, पर जन भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है, जिस तरह जन भावना का ध्यान संथारा मामले में रखा, जैन समाज की परंपरा में भी तो रखा गया, तब पुलिस ने क्यों नहीं लाठीचार्ज किया। आज आज भी उनकी बात सुनी तो जाए कम से कम, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना सुनी जानी चाहिए। और सर से पब्लिक वहाँ की खुद नहीं चाह रही है तो फिर बात तो वो भी सही है ना, वही मुद्दा आता है, जनमत बड़ा है कि महिला अधिकार की लैंगिक समानता है। सर ये तो बड़े बड़े जटिल विषय है, उदाहरण का एक उदाहरण भी देता, कल को यहाँ पर इतना हो जाएगी सड़क चौड़ी करनी, 100 फीट की जगह 150 फीट सड़क होगी, विकास जरूरी है और मकान तोड़े जाए तो क्या विकास होना चाहिए। पर जितने लोगों के मकान हैं सब खड़े हुए सड़क पर और बोला हम सरकार का बहिष्कार करते हैं, तो अब तय करिए जनमत वर्सेस विकास झगड़ा, विकास एक तरफ वोट बैंक और एक तरफ विकास, तय करिए किसे पाना है। ऐसे मुद्दे हर जगह नहीं चाहिए, कंपनसेशन नहीं चाहिए, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं, जितने में आप 50 लाख मेरी जगह छोड़ने का दे रहे हैं, मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ और आगे जगह मुझे दे दो इस सड़क में, अब बोलो क्या तय करना है। आप मुझे 50 लाख दे रहे हो, मैं डबल दे रहा हूँ, सरकार जितना मुझे देगी मैं दुगना देकर तैयार हूँ, सड़क पे जगह चाहिए मुझे, क्या हर चीज मूल्य से तय होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि विकास की सीमा निश्चित होना बहुत जरूरी है, कितना विकास, क्या शहर में सड़कें 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 ही रह जाएंगी, भवन भवन, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ग्रीन बेल्ट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, कितना विकास, विकास की सीमा तय करने के लिए आने वाले समय में कृषि भूमि दिखाई नहीं देगी, हर जगह उद्योग शहर उद्योग शहर उद्योग शहर, और आप सांस लेना क्लिम्स के, इसलिए आज आपको तय करना होगा ये है मेरे विकास की सीमा, खत्म चैप्टर क्लोज, इतने में ग्रीन बेल्ट चाहिए, कोई भी शहर में 35% पर पेड़ होने चाहिए, नहीं ये जगह मल्टी बनाओ, कई मंजिला भवन बनाने की अनुमति दो, शहर को फैलाओ मत, ये जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा चाहिए, उत्पादन ज्यादा लाभ है कहां, जब तक कृषि भूमि के द्वारा आप क्या कर रहे हैं उस पर अधिकार करते जा रहे हैं, उद्योग खुलते जा रहे हैं आप तो क्या करोगे कृषि भूमि में, कहां से उत्पादन दे पाएगी, फिर आप कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो जबकि उत्पादन किसमें ज्यादा मिलेगा, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती आपकी मजबूरी बन जाएगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेना आपकी मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी होगी, इसके अलावा कोई नहीं, पेट भरेगा पौष्टिकता की बात तो छोड़ दीजिए, पेट लेकिन भर गए, चले खेरे अलग विषय है, मतलब लंबी कहानी से, मतलब मैं तो शुरू से मानता हूं विकास की सीमा तय होना जरूरी है, इस शहर का मैं बासिंदा हूं, मेरे पूर्वज हजारों सालों से यहां रह रहे हैं, मैं इसके लिए मैं जमीन छोड़ दूं, कैसी बात कर रहे हैं, तो मैं किसके लिए छोड़ रहा हूं जमीन, जो मेरे शहर के नहीं है, जो बाहर से आए, जो जनसंख्या बढ़ाई उनके विकास के लिए मैं अपनी जगह छोड़ रहा हूं,
सर ऐसा यदि सब लोग सोचेंगे तो फिर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। आप मुझे तय कर दो ना विकास की सीमा, मैं तैयार हूँ अपना घर तोड़वाने के लिए, लेकिन तय कर दो। ऐसा मत बोलो कि 10 साल बाद फिर और 2 फीट, 10 साल बाद फिर 2 फीट, फिर 10 साल बाद 2 फीट, तो कितने बार तोड़वाऊंगा घर, एक बार तय कर दो। फिर तो सर जनसंख्या पे कंट्रोल करो, जनसंख्या मुझे बता दो कि 2070 का शहर ऐसा होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगले 50 साल की योजना बनाओ, आपका घर 10 फीट टूटेगा मैं तैयार हूं उसके लिए, लेकिन हर 10-10 साल में नहीं तोड़ना। आप मेरे बने हुए सिस्टम को तोड़ रहे हो, मेरे बने हुए व्यवसाय को तोड़ रहे हो, एक विकास की सीमा तय कर, इतना होगा। तो सीमा ऐसे तय कर सकते हैं कि आप गांव में वो साधन उपलब्ध कराओ, शहर आने की आवश्यकता ना पड़े, कृषि मूल्यों को वो उत्पादों को वो मूल्य दो उनको उत्पादों को कि उनको कोई परेशानी न झेले। अभी लोगों को लगता है किसान आने वाले समय किसानों के लिए लोग उनको पैसा उल्टा देंगे, देखना लोगों को अनाज नहीं मिलेगा और रेट भी पूछेंगे बोलेंगे अनाज दे। अगर यही स्थिति रही 2050-70 में आपको देखना है। पहला खतरा तो एक है शहरीकरण औद्योगिकरण खेती पर मंडरा रहा है, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, बदलते मौसम चक्र, कहां से उत्पादन करो और घटती पौष्टिकता, ये बड़ी समस्या है। ये अपन अलग विषय में एक आध दिन चर्चा करेंगे, इस पर आप इसी भी चर्चा कर लेंगे, वन बेस विकास कैसा, इस विकास मॉडल पे हम जब से एक घंटे चर्चा करेंगे, होना कैसे, पूरी सिटी प्लानिंग कैसी की जाए कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, जनसंख्या भी समाज आए, रोजगार भी मिले, इस तरह कुछ ऐसा हमें एक विकास का सिस्टम बनाना पड़ेगा और विजन हमें दूर तक सोच के चलना, 10 साल नहीं कम से कम 50-30-40 साल तो मिनिमम सोच के चलना, तब कहीं कोई फायदा होगा। क्योंकि देखो हर शहर की एक सीमा है, हर शहर के अपने तालाब नदी नदी है, उनके पास उनके जल स्रोत की सीमा है, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग प्यासे मरेंगे, अपराध घटेंगे, प्रशासन पर बोझ बढ़ेगा, तो प्रशासन पर जब बोझ बढ़ेगा संकट पैदा होगा तो प्रशासन को भी खर्च करना पड़ेगा, तो बेटर है कहीं ना कहीं वैसा खर्च करने की सोचे, सैटेलाइट सिटी बनाए, एक उपनगरीय क्षेत्रों का विकास करें, गाँव में ही वो सुविधाएं दे देंगे शहर में आना, फास्ट ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन दे दे कि भैया कोई लड़का मान लो सागर में पढ़ रहा है तो रहता कहां पर है, मान लो तो किसी जगह पे ले नरसिंहपुर में रहता है, या मान लेते हैं किसी सागर में बंडा तहसील में रहता है, तो वो क्यों अप डाउन करे ना, फास्ट आप सर्विस करो ना उसको, क्यों रहे क्यों शहर में, और ऊपर से गांव के गांव में रहेगा तो खेती से भी जुड़ा रहेगा, परिवार से भी जुड़ा रहेगा, अध्ययन भी होता रहेगा उसका, सब होता रहेगा। अभी क्या शहर चला जाएगा, एक अपने घर पर आर्थिक बोझ भी